हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम अगेन हेयर बिफोर यू। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग ऑल आई हैव दैट आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स लेफ्ट इन दिस चैप्टर टू एक्सप्लेन आर रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी As I told you, solubility is the property of the material which tells us, which determines that how much quantity of that material will dissolve in a given quantity of water. I told you before also, whenever we are talking about that solvent, that most of the time we will say that solvent is water, because water is, I told you earlier also, that water is a universal solvent. Universal solvent means most of the materials can dissolve in it. It is its property. ये भी एक important property है water की, कि इसमें बहुत सारे मटेरियल्स इसमें इसीलिए डिजॉल्व हो जाते हैं, इसी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट पे बात करेंगे, तो जो अब यहाँ पे वो लिक्विड जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मींस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं वहाँ, और जो डिजॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे टू कैटेगरीज वी विल डिस्कस, द लिक्विड्स विच कैन डिजॉल्व इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, एंड विच कैन नॉट डिजॉल्व इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। दीज टू कैटेगरीज वी विल डिस्कस। ओके, देन वी विल एंड द चैप्टर। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विल be and or you can say the properties of the materials that we discussed, 8 or 10 properties we have discussed. I think you have got all. Okay, 5-6 properties or 8 or 10 maybe. Okay, we have discussed. I think you have got, I have explained to you, I think you have got. So liquid which mix with other, jo liquid dusre लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, खास करके यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा वाटर एज अ सॉल्वेंट हियर। लिक्विड तो दूसरे भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है, जैसे लिक्विड अल्कोहल भी होता है, लिक्विड जैसे लेमन भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो जूसेस भी होते हैं, ठीक है, मिल्क भी होता है, लेकिन वो लिक्विड जो वाटर में, खासकर वाटर एज ए सॉल्वेंट, उसमें मिक्स हो जाते हैं, दे आर नोन एज मिसिबल लिक्विड। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, मिल्क है, लेमन जूस है, एल्कोहल, दे आर सॉलेबल इन वाटर। ये सॉलेबल है इन वाटर में, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट में। अब मैं अगेन यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों, रीजन इज दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स कैन डिजॉल्व इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और दूसरा देखिए, दूसरी कैटेगरी जो है वो लिक्विड की है, जो लिक्विड विच डू नॉट मिक्स, जो वाटर में या दूसरे लिक्विड में मिक्स नहीं होते हैं। वाटर मीन्स दैट वो सेम यूनिवर्सल सॉल्वेंट में वो मिक्स नहीं होते, वो कहलाते हैं दे आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आप देखते हो, एडिबल ऑयल, एडिबल जो हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, ये केरोसिन है ना, पेट्रोल, दे डोंट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ये पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब के सब ये लिक्विड है, आपको मालूम है, और दे नेवर डिजॉल्व इन गिवन वाटर और द यूनिवर्सल इन पिक्चर सॉल्वेंट। इन पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी, पिक्चर में भी
एग्जाम्पल्स के साथ पिक्चर्स भी दी हुई है, आप पिक्चर में भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। राइट बेटा, नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइजेज ऑफ द एनसीईआरटी दैट आर गिवन आवर इन आवर बुक। ओके, एंड दीज प्लीज नोट हेयर, यू हैव टू राइट डाउन दीज ऑन योर क्लास वर्क नोटबुक। राइट माइंडेड, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको मालूम है जो मटेरियल्स वुड से बन सकते हैं, जो चीज़ें हमारे यहाँ, दोज थिंग्स, वो ऑब्जेक्ट जो हमारे वुड से बन सकते हैं, टेबल है, चेयर है, पेपर है, डस्टर है, कवर्ड है, डोर है ना, ये सब के सब वुड से ही बने होते हैं। डस्टर भी इसी में आता है, ठीक है, टेबल चेयर तो आते ही, आप लोग क्लासेस में आप लोग देखते हो। राइट, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो किससे बनते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ द मटेरियल वुड, जो वुड मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ये कौन सा करता है, ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। तो इसमें आपको सभी को मालूम है स्टील स्पून, और शाइनिंग का रीजन भी मैंने आपको बताया था वाई, अभी जब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी शाइनिंग वाली या लस्टर वाली डिस्क्राइब करी थी, तब देन आल्सो आई आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन यू अबाउट वाई अ मटेरियल और अ मैटर शाइन, बिकॉज ऑल द लाइट रेज दैट फॉल ऑन ऑन ऑब्जेक्ट दे कम बैक अगेन टू आवर आईज, बिकॉज दैट सरफेस ऑन विच लाइट रेज आर फॉलिंग दैट इज स्मूथ। इफ दैट सरफेस इज स्मूथ यू कैन से, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन दैट सरफेस दे कम बैक टू आवर आईज, दैट ऑब्जेक्ट दैट मेटीरियल विल शाइन। दैट्स वाई दिस स्टील स्पून इन दिस कैटेगरी। राइट, आप कह सकते हो इस कैटेगरी में केवल स्टील स्पून आता है। नेक्स्ट आप देखिए, मैचिंग है, सम ऑफ द मैचिंग आर गिवन, यहाँ पे मैच द ऑब्जेक्ट गिवन विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, किससे वो बन सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो किस मटेरियल से बन सकते हैं, कुड बी, रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मेटीरियल, ये भी एक से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो मेटीरियल कैटेगरी में दिए हैं उनमें से किसी भी एक से, एक या एक से अधिक मेटीरियल से बन सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। एंड ए गिवन मेटीरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। ओके, समझ आ गया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया, मतलब ये है कोई भी इसमें जो ऑब्जेक्ट कैटेगरी में दिया है वो किसी भी दो या दो से अधिक, टू और मोर मटेरियल से बन सकता है, उसको हमें मैच करना है। अब जैसे पहला है टम्बलर, टम्बलर आप जानते हो, टम्बलर किस किस से बन सकता है, ग्लास से बन सकता है, पेपर से बना सकते हैं हम, और प्लास्टिक का भी टम्बलर बन सकता है। तो टम्बलर आपने देखा, टम्बलर एक ऑब्जेक्ट है, और कौन कौन से मटेरियल्स हैं उनसे बन सकता है, आपने देखा ग्लास हो गया बेटा, राइट बेटा, पेपर हो गया और प्लास्टिक, यस। दूसरा देखिए बुक, बुक आपको मालूम है, बुक इट इज फॉर रीडिंग, मेड ओनली फ्रॉम द मटेरियल दैट इज पेपर। राइट, ओके बेटा, नेक्स्ट यू सी मैचिंग, नेक्स्ट चेयर, चेयर किन किन से बन सकती है, चेयर आपको मालूम है, अपने हमारे घरों में भी चेयर होती है, स्कूल में भी हम लोगों की चेयर बेटा, ऑफिस में भी चेयर होती है, तो चेयर आपको मालूम है, यू नो, यस बेटा, यस, दैट इज कैन बी मेड फ्रॉम वुड एंड प्लास्टिक आल्सो। राइट बेटा,
अब फोर्थ कैटेगरी देखिए, मैं ऑब्जेक्ट की ट्वाय, ट्वाय किस किस से बन सकते हैं? ट्वाय में बनने के लिए आप देखिए, आपको मालूम है ट्वाय किससे बनते हैं, आपने देखे भी हैं, वेरी कॉमन, वुड से बनते ही हैं, पेपर से तो बनते ही हैं, ट्वाय पेपर से भी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्वाय, और प्लास्टिक से के भी ट्वाय बनते हैं, वेरी कॉमन। आजकल के समय में प्लास्टिक के ट्वाय बहुत बहुत कॉमन हैं। स्मॉल बेबी यूज टू प्ले विद देम, ओके, छोटे छोटे बच्चे उनके संग में खेलते हैं। नाउ शूज, शूज यहाँ पे देखिए, शूज भी आप देखिए कौन से मटेरियल से बन सकते हैं, मालूम है यहाँ पे जो मटेरियल दे रखे हैं उनमें दो है, लेदर एंड प्लास्टिक, लेदर और प्लास्टिक दोनों के ही शूज भी बनाए जा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैचिंग एंड द क्वेश्चन आंसर्स दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी सेक्शन इन आवर बुक, ओके बेटा, हैव गॉट ऑल द एक्सप्लेनेशन, ओके, मेरा ऐसा मानना है ये सभी कुछ आपको समझ आया होगा, पूरा का पूरा चैप्टर ये फिनिश हो गया है बेटा, ओके, और नेक्स्ट अब सेशन में हम लोग एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स वी विल कंटिन्यू ऑफ द सेम चैप्टर, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करते जाएंगे। आई वॉन्ट टू से हेयर ऑल्सो वन थिंग मोर बेटा, इवन देन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन आस्क मी, ओके ओके, एनी क्वेरी यू आर हैविंग यू कैन आस्क विदाउट एनी हेसिटेशन, ओके, आई थिंक यू हैव गॉट व्हाट आई सेड, बाय बाय बेटा, बाय।